हाँ, तो अब इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब हम लोग का शुरू होगा मेन जो सर्वे है वो, जिसमें पहला है चेन सर्वे, है ना। चेन इस यूनिट का नाम है, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो सबसे पहले कि चेन सर्वे के बारे में, है ना। चेन सर्वे जो है हम लोग करते हैं जो वहाँ पे छोटा एरिया हो और उसमें ज़्यादा उस एरिया में उतार चढ़ाव नहीं हो, है ना, वो प्लेन हो तो बेटर होगा, ठीक है ना। चेन सर्वे जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ लीनियर मेज़रमेंट लेते हैं। चेन क्या मेज़र कर सकता है? चेन एंगल तो मेज़र कर नहीं सकता है, चेन लीनियर मेज़र कर सकता है, मतलब डिस्टेंस मेज़र कर सकता है ना। तो सिर्फ डिस्टेंस मेज़र करके हमें पूरा सर्वे करना है ना। जैसा कि बता रहे थे कि पिछले क्लास में चेन सर्वे में ट्रायंगुलेशन यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी एरिया है ना, कोई भी एरिया है तो उसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट के करते हैं, है ना। ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ये बट गया, तो अगर इस बीच में कोई, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होता, यहाँ पे कोई पहाड़ होता या कुछ भी होता, तो ये सब जैसे बांटना था हमें, तो वो क्या हो पाता? वो नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए हम जो है ये सुटेबल होता है चेन सर्वे वो ओपन ग्राउंड में, ठीक है, और स्मॉल एक्सटेंट के लिए। और यहाँ पे खुला मैदान हो, कोई दिक्कत नहीं हो ज़्यादा, एकदम ऐसा नहीं कि पहाड़ी हो फिर पीछे तो उसके पीछे भी सर्वे करना हो, तो ऐसे जगहों पे जो है चेन सर्वे में बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आती है। हालांकि उस जो ऑब्स्टेकल आते हैं उनको भी दूर करने के उपाय हैं, लेकिन जो वो सुटेबल नहीं है वहाँ पे चेन सर्वे। चेन सर्वे जो है छोटे जगह पे, छोटे प्रोजेक्ट हो, प्लेन हो, ओपन ग्राउंड हो, ओपन खुला हुआ है, और वहाँ पे इजीली कर सकते हैं हम लोग डिस्टेंसेस मेज़र करके और उनका उसका एरिया निकाल के फिर सम अप करके और फिर फाइनल मैप भी बना लेते हैं। तो चेन सर्वे में जो है हम लोग सिर्फ लीनियर मेज़रमेंट करते हैं, इसमें हमारे पास कोई अदर एंगल मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो हम एंगल मेज़रमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग को नेक्स्ट यूनिट पढ़ना है, जो कंपास सर्वे है, ठीक है ना। तो चेन सर्वे में सिर्फ हम लोग लीनियर मेज़रमेंट करते हैं, सिर्फ हमारे पास चेन होगा या टेप होगा, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग को सारे मेज़रमेंट करने हैं, पूरे पूरे एरिया का, एरिया पूरे एरिया का मतलब मेज़र, उसके सारे साइड्स का मेज़रमेंट, है ना, उसको जो डिवाइड किए हैं वो जो लाइन्स हैं उन सारे का मेज़रमेंट, प्लस सब फिर सबका एरिया और फिर मैप बनाना, तो ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेज़रमेंट करते हैं और ये सुटेबल है स्मॉल एक्सटेंट के लिए और ओपन ग्राउंड के लिए। क्लोज ग्राउंड या बहुत ज़्यादा पहाड़ी हो फिर ये हो तो वैली हो वहाँ के लिए चेन सर्वे सुटेबल नहीं है, है ना। आपको एकदम वर्टे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेज़र करने हैं और पता चले नीचे वैली है तो वहाँ पे चेन लेके आप खड़े आ जाओगे, आप नहीं कर पाओगे या सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चेन सर्वे कहाँ में जो है सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होता है, सुटेबल कहाँ पे है वो जहाँ पे ओपन ग्राउंड हो और स्मॉल एक्सटेंट के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए जो है। अब बहुत बड़े एरिया में करना हो तो थोड़ा बहुत बड़े मतलब एक्सटेंट तो वहाँ दिक्कत हो जाता है ना। और प्रिंसिपल ऑफ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था इसलिए वो पूरे सर्वे का प्रिंसिपल था, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ जो सर्वे पर रहते हैं हम लोग, तो वो पूरे के पूरे सर्वे, जो सर्वे के जितने भी पार्ट हैं उनका भी बेसिक प्रिंसिपल वही होगा, लेकिन चेन सर्वे का अपना भी एक प्रिंसिपल है ना उसके अलावा, वो है क्या, ट्रायंगुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज़ ट्रायंगुलेशन, मतलब इसके चेन के थ्रू जो सर्वे करते हैं, उसी एरिया को हम मेज़र करते हैं, तो उसमें जो है क्या प्रिंसिपल अपनाते हैं, उसको तोड़ने का, पार्ट में होल टू पार्ट करते हैं, तो पार्ट पार्ट करने के प्रोसेस को हम ट्रायंगुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल में बना के करना, क्योंकि ट्रायंगल जो बनता है ना, ट्रायंगल एक सबसे मतलब छोटा जो एरियल स्ट्रक्चर होता है मतलब, तो इसमें उसका एरिया निकालना तीनों साइड पता है तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है ना, इसलिए इसके ट्रायंगल्स में तोड़ा जाता है, बेटर होता है, तो इसलिए इसे ट्रायंगुलेशन भी इस प्रोसेस बोल रहे हैं। तो चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, ट्रायंगुलेशन, ये हमेशा याद रखिए। फिर आगे हम लोग कंपास सर्वे पढ़ेंगे तो उसका प्रिंसिपल होगा ट्रावर्सिंग, साइड साइड से बना के सारे, सिर्फ सिर्फ उसका बाउंड्रीज को ही बनाना रहता था और जोड़ते हुए चले जाते थे एंगल के साथ, तो वो ट्रावर्सिंग था, है ना। तो अभी याद रखिए कि चेन सर्वे का प्रिंसिपल होगा ट्रायंगुलेशन, और सर्वे के जो दो प्रिंसिपल है वो तो है ही है, ठीक है। और ट्रायंगुलेशन क्या है, वो
नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स का फ्रेमवर्क है ना, ये तो पता ही है आप लोग को, लिख दिए हैं कि कोई नया हो तो उनको ना समझ में आए, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और क्या पढ़ना है इसमें, एक्सेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट। चेन सर्वे क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है। तो लीनियर मेजरमेंट करने में किन किन एक्सेसरीज, मतलब किन किन इंस्ट्रूमेंट का और क्या क्या यंत्र हैं उनका जो हमें उपयोग होगा वो सब जानना है। तो उसमें है रेंजिंग रॉड, इसमें है रेंजिंग रॉड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रेंजिंग रॉड कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। फिर चेन का यूज़ है, फिर टेप का यूज़ पड़ेगा, मतलब चेन के साथ साथ टेप का भी यूज़ पड़ता है, कहीं कहीं छोटा मोटा डिस्टेंस है हुआ या और कहीं भी एकदम स्लाइडी चेन यूज़ कर रहे हो, कोई अदर डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा, टेप साथ में होता ही है। आगे देखेंगे जो मेज़र कैसे करते हैं उस टाइम पर प्रोसेस में जाने यूज़ आपको समझ में आएगा कि हाँ वो भी ज़रूरी रहेगा, ठीक है। एरोज़ का ज़रूरत पड़ता है, ये सब क्या है अभी आगे हमें इसको डिटेल पढ़ना है। क्रॉस स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को, ऑप्टिकल स्क्वायर और लाइन रेंजर, ये सब एक्सेसरीज हैं चेन सर्वे में यूज़ आएंगी। अब इन सब को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेंजिंग रॉड, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब भी सर्वे करने जाते होंगे, सर्वे होते हुए देखते होंगे, या आप अपने कभी सर्वे लैब में भी गए होंगे, आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का छड़ी की तरह, एक भाला की तरह, जो नीचे में जो है नोकीला होता है और ऊपर में जो है बैंड्स बने हुए होते हैं, रेड और वाइट, रेड वाइट, या फिर ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, ऐसा भी होता है। तो ये जो है, ये जो है मतलब ऐसा, ये जो भाले टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आप कभी सर्वे लैब में गए होंगे या फिर आपकी अभी भी सर्वे होता हुआ देखे होंगे कहीं पे, तो लोग ऐसे उसको गाड़ के रखे रहते हैं, बहुत सारे रेंजिंग रॉड जो है वो लोग गाड़ के और उससे कुछ ना कुछ करते रहते होंगे जो आपको दिखता होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, इस बाले जैसे स्ट्रक्चर को रेंजिंग रॉड, ठीक है। रेंजिंग रॉड इसका नाम है, तो इसके नाम रेंजिंग रॉड होने का वजह भी है क्योंकि इससे हम रेंजिंग करते हैं, इसके यूज़ के हिसाब से इसका नाम पड़ा हुआ है रेंजिंग रॉड, ये यूज फॉर रेंजिंग होता है, है ना। रेंजिंग रॉड यूज फॉर रेंजिंग। फिर रेंजिंग क्या है, तो रेंजिंग है जैसे कोई दो बड़े बड़े दूर के लाइन है, जैसे कि एक ये पॉइंट है ए, है ना, ये पॉइंट ए है और एक यहाँ पॉइंट है बी, और ये बहुत दूर के पॉइंट हैं और हमको इधर से चेन ले जाना है चेनिंग करते हुए, तो ये लाइन तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना ग्राउंड पे। अब ये दूरी अगर बहुत है, ये मान लो कि एक किलोमीटर है, चेन तो हमारा 20 मीटर 30 मीटर इस टाइप का ही होता है, तो ये हम कैसे इस लाइन के अलोंग ही कैसे जाएंगे, तो हमें इस पूरे लाइन पे एकदम स्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे बीच बीच में पॉइंट मार्क करने होते हैं कि हमको इसी के थ्रू चेन को घुमाते हुए ले जाना है, तो इस प्रोसेस को रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये काम में आता है, कैसे होगा रेंजिंग का हम लोग आगे पढ़ना है। रेंजिंग के दो मेथड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनका डिटेल में अभी तो कुछ देर के बाद ही पढ़ना है, जैसे एक्सेसरीज हो जाएंगे तो उसको पढ़ना है, ठीक है। तो चूंकि ये रेंजिंग के काम में आता है इसलिए इसको हम लोग रेंजिंग रॉड कहते हैं। रेंजिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सर्वे लाइन स्ट्रेट बाय फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ पे जो देख रहे थे इंटरमीडिएट पॉइंट को फिक्स करके हम सर्वे कर, ये मतलब रेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है जनरली वुड या बम्बू का बना होता है, मतलब लकड़ी का या बम्बू का भी उसके ऊपर जो है ये बना होता है, और इसमें अल्टरनेटिव बैंड्स होते हैं, ब्लैक या रेड प्लस वाइट, या तो ब्लैक वाइट या फिर रेड या वाइट, ब्लैक वाइट या फिर रेड और वाइट, या तो ये रेड होगा फिर ये वाइट, या फिर ये ब्लैक होगा और ये फिर वाइट, ये दो बैंड होते हैं, और हर एक जो है जो बैंड होता है वो 20 सेंटीमीटर का होगा, जो ये अपना ये है जो ये वाइट वाला है ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो ब्लैक है ये भी 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर के बैंड्स बने क्यों होते हैं, ये भी आप लोगों को दिमाग में आता होगा, है ना। तो एक तो है कि रेड और वाइट है, तो अगर पूरे खुले ग्राउंड में बहुत धूप है तो वो चमक भी जाएगा, दिख भी जाएगा, है ना, या कोई भी दो कलर हैं तो उसमें दिखता है, वो दिख जाता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है रखा हुआ, ठीक है।
तो ये पर्पस है। दूसरा, किसी ख़ास लंबाई होती है कि ये जो है 20 सेंटीमीटर का ही होता है ये जो बैंड है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक रफ़ लंबाई कहीं कहीं पे मेज़र करना है तो रेंजिंग रॉड भी है, उससे ही मेज़र कर लो। 20 सेंटीमीटर का ये तो बैंड है ही है ना, ये सब 20 है, ये 20 है, तो आराम से ये 20 सेंटीमीटर, ये 20, फिर ऊपर भी 20 सेंटीमीटर, नीचे भी 20 सेंटीमीटर, तो आप ये मेज़र कर सकते हैं। कहीं पर रफ़ मेज़रमेंट करना होगा तो वो कर सकते हैं। प्लस इसकी जो लंबाई होती है वो 2 या 3 मीटर की होती है, 2 मीटर के रेंजिंग रॉड भी आते हैं, 3 मीटर के भी आते हैं, तो ये ख़ुद भी जो है पूरा पूरा एक 2 मीटर का आपको समझिए कि एक मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। रफ़ कहीं पर मेज़र करना है उसको सुला के मेज़र कर लीजिए, रखा हुआ है। ये पूरा रेंजिंग रॉड नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, ये उसको ब्रेक करके दिखाया हुआ है, पूरा 2 या 3 मीटर का होता है और वो 20-20 सेंटीमीटर के बैंड्स का बना हुआ होता है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 40 है, यहाँ तक 60 है ना, तो मेज़र भी कर सकते हैं आप। तो ये रेंजिंग रॉड जो है बेसिकली रेंजिंग पर्पज़ के लिए बना होता है ना, और ये जनरली वुड या बाम्बू या फिर आजकल तो मेटालिक भी आता है, तो वुड या बाम्बू का बना होता है और इसमें बैंड्स होते हैं वाइट एंड ब्लैक या रेड का होता है, ठीक है, और वो उसकी जो विड्थ होती है वो 20 सेंटीमीटर का होता है जो बैंड्स होता है, और इनकी लंबाई जो पूरा टोटल लंबाई होती है इसकी 2 से 3 मीटर की, 2 या 3, यही 2 आते हैं लेंथ के, अपने सर्वे लैब में रखा होगा 3-3 मीटर के, आप लोग देखे होंगे रेड कलर का, रेड एंड वाइट का, ठीक है। तो इसको रेंजिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम रेंजिंग रॉड, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट क्या देखते हैं, चेन, जो चेन सर्वे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना, नाम ही इसके नाम पे ही ये चेन सर्वे का नाम है। तो ये जो है आपका ये चेन है जो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, एक चेन का रियल कोई इमेज लेके डला हुआ है इस टाइप से, वो पूरा सबको एक साथ जोड़ के रखा हुआ रहता है ना, उसको फिर खोलना पड़ता है, ठीक है ना। उसका दिखता होगा कि ये हैंडल है, ये हैंडल पर अगर खींचे इधर उधर भी एक हैंडल होता है ना, तो इस टाइप से है ये। आप ये जो है रियल इमेज है उसका, चेन का जो रखा हुआ होता है चेन एक साथ जुड़ के, और ये इसका जो है डायग्राम बनाया हुआ है चेन का, वो समझने के लिए कि उसमें होता क्या क्या है। जैसे ये जो है ब्रास हैंडल है, ये जो चीज़ है उसमें यहाँ पे पकड़ने के लिए ग्रूव बनाया हुआ होता है, ठीक है, और ब्रास हैंडल से ये सारे जो हैं ये लिंक्स हैं, इनको लिंक्स बोलते हैं ये सब जो हैं, ये सारे और ये चूँकि इनको हमें इस रूप में यहाँ पे इस रूप में हमें रखना होता है, जोड़ के एक जगह फोल्ड किए हैं और हाथ में लेके ऐसे रख दिए कहीं पे भी, वो छोटा सा बन जाता है, तो फोल्ड करने के लिए ये सारे छोटे छोटे ओवल रिंग से इनको जोड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ताकि ये इस टाइप का होके रखा जाए, इजीली फोल्ड होके रख जाए। और ये जो है ये लिंक से, इससे हैंडल से सीवेल जॉइंट, मतलब ऐसे घुमा हुआ जॉइंट होता है, इसको सीवेल जॉइंट बोलते हैं, ऐसे जॉइंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और इसका जो एक लिंक होता है वो बोलेंगे, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है, मतलब इसमें 3 रिंग जो हैं तीनों के बीच वाले का से लेके यहाँ तक की दूरी को एक लिंक बोलेंगे। फिर अगला लिंक बोलेंगे इसके, इस तीनों वाले के बीच से फिर यहाँ तक, इसके ये बीच वाला जो है, मतलब हर लिंक जो बोलेंगे, एक लिंक कंप्लीट लिंक कैसे होता है कि इतने को बोलेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक वाले को, यहाँ इस पहला लिंक यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब सेंटर वाले रिंग से अगर उसके, फिर दूसरे जो अगला जो लिंक का जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसके सेंटर वाले लिंक के बीच की दूरी को एक लिंक बोलेंगे। और ये जनरली 20 सेंटीमीटर का होता है ना, जो हम लोग मेट्रिक चेन जनरली यूज़ करते हैं, जो आपके लैब में भी है रखा हुआ, तो वो 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है। 20 सेंटीमीटर खास करके दिया हुआ रहता है इसलिए कि छोटा छोटा मेज़रमेंट कहीं 20 सेंटीमीटर का आ गया तो वहाँ पे मेज़र हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा चेन लेंथ 20 मीटर का है तो 20 मीटर ही मेज़र कर सकते हो, छोटा नहीं करते, ऐसा नहीं है ना, तो आप 20 सेंटीमीटर भी मेज़र कर सकते हो, 20 मीटर तो मेज़र कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये जो है जो चेन जो है आपका, ये 100 से 150 लिंक होता है जनरली, अदर भी होते हैं, अदर चेन में अदर भी लेंगे, लेकिन जनरली जो है मेट्रिक चेन जो हम जो यूज़ करते हैं उसमें 100 से 150 जो ऐसे ऐसे लिंक जो दिख रहे हैं, ऐसा 100-150 लिंक होगा। अगर 20-20 सेंटीमीटर का 100 लिंक है तो टोटल लंबाई कितना हो गया, 2 मीटर, है ना, 20-20 सेंटीमीटर के 100 हैं तो 2 मीटर हो गया, और अगर 20-20 सेंटीमीटर के 150 हैं तो वो 30 मीटर का चयन हो जाता है इस तरह से।
तो 100 से 150 लिंक का मिल के चेन बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो होता है लिंक जो है, ये जो लिंक है, ये इसका जो मटेरियल होता है वो गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर का बना होता है, उसका 4 mm डाया होता है। माइल्ड स्टील इसलिए होता है, माइल्ड स्टील आप लोगों को पता होगा कि गैल्वनाइज्ड तो इसलिए होता है, गैल्वनाइज्ड करना मतलब कि वो जंग ना लगे इसलिए गैल्वनाइज्ड कर दिया जाता है उसको, है ना। माइल्ड स्टील इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो जब ये खींचता होता है ना इसका, या फिर तो ये टूट जाता है तो उसको हम वहाँ पे इजीली बना भी लें, ज़्यादा ब्रिटल नहीं हो, इसलिए हम माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो माइल्ड स्टील वायर होता है ये जो लिंक होते हैं ये सारे, और इसका डाया 4 mm का जनरली होता है, ठीक है। और लिंक्स जो हैं एक दूसरे से, ये जो लिंक है एक दूसरे से ओवल के थ्रू, ओवल लिंक से जुड़े होते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है ये सारे ओवल लिंक हैं, इसके थ्रू 3-3 ओवल लिंक हैं। एक तो ऐसे पूरा पूरी सामने से लिया हुआ फ़ोटो है, तो इसके साइड फ्रंट व्यू की वजह से ये दिख रहा है लाइन की तरह, है ना। 3-3 लिंक होता है उससे ये लिंक जुड़ा होता है, लेकिन एक टोटल कंप्लीट लिंक जो बोलेंगे तो वो ओवल को सेंटर टू सेंटर लेंगे, ठीक है, जो दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। तो लिंक जो है कनेक्टेड होते हैं ओवल रिंग से, जो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी इस रियल इमेज में भी दिखता होगा कि रिंग से जुटा होता है लिंक जो है, है ना। और इसमें जो है हर कुछ दूर पे टैली बना हुआ मार्क आपको दिखेगा, जो अब चेन के डिटेल में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर दिखेगा कि टैलीज यूज़ किया जाता है, कि हर मतलब 5 मीटर या 2 मीटर इस पर टैली लगा होता है, आपको समझ में आएगा हाँ 2 मीटर हो गया, नहीं तो पूरा पूरे 20 मीटर का चेन है, आपको समझ में नहीं आएगा कि 20 मीटर में 4 मीटर कब आया, 6 मीटर कब आया, या बीच में आपको एंड करना है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये डिस्टेंस क्या था, है ना। एक तो 20-20 सेंटीमीटर का लिंक होता है, 20 सेंटीमीटर समझ में आएगा, फिर हर कुछ डिस्टेंस पे, जो 2 मीटर पे या 5 मीटर पे टैली लगा हुआ होता है, आप आगे देखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे वन लिंक का बताया हुआ है कि वन लिंक किसको बोलेंगे, तो वो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट मिडिल लिंक, जो अभी हम बता रहे थे कि मिडिल वाला जो रिंग है उस दो मिडिल वाले रिंग के बीच का जो है उसको हम एक लिंक बोलेंगे। तो चेन में लिंक वर्ड आपको हमेशा यूज़ में आएगा, वो जनरली 20 सेंटीमीटर का होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो चेन का ये डिटेल तो हम लोग देखें कि चेन जो है लिंक से मिलके बना होता है, छोटे छोटे लिंक से, वो 20-20 सेंटीमीटर का होता है, लिंक एक दूसरे से ओवल लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, 3-3 रिंग्स होते हैं, और तीनों रिंग से बीच वाला जो रिंग होता है वो उससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मतलब एक दो बीच वाले रिंग के बीच की दूरी को जो है हम लोग, दो बीच वाले रिंग की दूरी को हम लोग एक लिंक का दूरी बोलेंगे, जो 20 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक है। और ये पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हैंडल बना हुआ था, वो ब्रास का होता है, ब्रास हैंडल, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है इसमें। हाँ, इसमें आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ चेन। देख तो चेन था ये कि चेन ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, इसमें ये टर्म होता है, लिंक बोलते हैं इसको, इसमें हैंडल होता है, ब्रास का बना होता है, लिंक इस चीज़ का बना होता है, ये सब आप लोग ये देखें। अब है तक चेन की कितने प्रकार का होता है ना। तो चेन जो है मेट्रिक चेन होता है, मेट्रिक चेन होता है, इंजीनियर्स चेन होता है, गंटर्स चेन होता है, रेवेन्यू चेन होता है, स्टील बैंड्स होते हैं। तो इसमें जो ये सारे जो है ना, इंजीनियर्स चेन और गंटर्स चेन, ये जो हैं ये पहले यूज़ होते थे, ये जो हैं ये पहले यूज़ होते थे, ये अब यूज़ नहीं होते हैं, ये मतलब कम यूज़ होते हैं, प्रीवियसली यूज्ड होते हैं। मेट्रिक चेन जो है ये मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क में यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो है रेवेन्यू चेन है, ये रेवेन्यू वर्क में जो मतलब ज़मीन उमीन के इसमें रेवेन्यू चेन यूज़ होता है। और फिर स्टील बैंड है, ये यूज़ करते हैं हम जब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हो, ये अभी देखेंगे स्टील बैंड के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबका डिटेल देखते हैं, जैसे मेट्रिक चेन है उसका डिटेल देखते हैं हम, ठीक है। तो हाँ, मेट्रिक चेन, ठीक है। तो मेट्रिक चेन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चेन है, मेट्रिक चेन जो है ये सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो है मेट्रिक चेन ही ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग अपने लैब में भी मेट्रिक चेन ही रखा हुआ है ना। और ये जो है 20 मीटर और 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल है, जब 20 मीटर खरीदने जाओगे तो 20 मीटर मिल जाएगा, 30 मीटर भी मिल जाएगा, 20 मीटर दोनों यूज़ होता है खूब, है ना। तो उसमें एक लिंक जो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है,
ठीक है, तो 20 मीटर वाले चेन में एक लिंक अगर 20 सेंटीमीटर का होता है, कितने लिंक होंगे उसमें? 100 लिंक होंगे, है ना। तो 20 मीटर वाले चेन डिवाइडेड होता है 100 लिंक में, ठीक है, ये समझ गए। एक लिंक 20 सेंटीमीटर का होता है, टोटल लंबाई उसका 2 मीटर है, तो उसमें 100 लिंक होंगे। तो ये हमेशा पूछा जाएगा आपको कि 20 जो मेट्रिक चेन होते हैं, 20 मीटर वाला मेट्रिक चेन, उसमें कितने लिंक होते हैं, ये एकदम कॉमनली पूछे जाने वाला होता है, उसमें 100 लिंक होते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो है 20 मीटर वाला जो चेन होता है, उसमें टैली जो है हर 2-2 मीटर पे डाला जाता है, हर 10 लिंक के बाद, 10 लिंक मतलब क्या, 2 मीटर, 20 सेंटीमीटर का है ना, 20 × 10 200 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर हो गया। तो हर 2 मीटर के बाद जो है, हर 2 मीटर का ये दिख रहा होगा 10 × 0.2 किया हुआ है, 20 सेंटीमीटर में तो 0.2 मीटर, तो वो 2 मीटर हो गया। हर 2 मीटर के बाद टैली बना हुआ रहता है, आप समझ में आएगा कि हाँ 2 मीटर हो गया, अब 4 मीटर हो गया, हर 2-2 मीटर के बाद बना होता है ना, तो टैलीज बना होता है हर 2 मीटर। लेकिन ISI मार्का वाले जो ISI का रिकमेंडेशन है कि टैलीज को हर 5 मीटर पर देना चाहिए, तो ISI ब्रांड वाले जो आते हैं चेन, उसमें आप देखेंगे कि 5-5 मीटर पे टैलीज बना हुआ रहता है, ठीक है। और ब्रास रिंग जो है, एक एक्स्ट्रा ब्रास रिंग जो होता है वो 1-1 मीटर पे दिया रहता है, मतलब वो कनेक्टेड रिंग के अलावा एक्स्ट्रा ब्रास, जो अभी फ़ोटो देखेंगे अभी हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वो हर एक मीटर पे डलता है, ठीक है। उसी तरह फिर 30 मीटर वाला जो चेन है, उसके भी लिंक का लंबाई 20 सेंटीमीटर होगा, तो उसमें कितने लिंक होंगे? 30 मीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें 150 आएगा, है ना, तो 150 लिंक होते। तो ये हमेशा याद रखिए, हमेशा पूछा जाएगा कि 30 मीटर वाले चेन में, मेट्रिक चेन में कितने लिंक होते हैं, तो 150 को बताना होगा, है ना, एकदम कॉमन बात है, कॉमनली पूछा जाने वाला चीज़ है। और इसमें टैली जो होता है हर 5 मीटर पर होता है, लगा हुआ होता है। टैली कैसा होता है ये हम लोग अभी देखेंगे, इसके बाद वो जो फिगर होगा उसमें टैली दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये तो मेट्रिक चेन का डिटेल था। अब ये देखिए, टैलीज जो है इस शक्ल का होता है, इन ये एक मिनट, है ना, टैलीज ऊपर में दिख रहा होगा, टैलीज लिखा हुआ है, तो इन इन शक्ल का होता है। तो 2 मीटर पे ये पहला वाला ही लगाएंगे, और फिर 4 मीटर पे ये 2 बना हुआ है टिथ, तो वो वाला लगाएंगे। 6 मीटर पे 3 बना हुआ है टिथ, मतलब तीसरा टैली आ गया, तो उसको लगाएंगे। फिर 8 मीटर पे जब यहाँ पे 4 टिथ बना हुआ है, तो उसको लगाएंगे हम लोग। और जो ये है 5 मीटर पे, ये गोल वाला टैली लगाएंगे। 4 टैली दिखता होगा आप लोग को, एक तो पहला वाला ब्रास रिंग है, तो ब्रास रिंग जो है वो बता रहे थे कि हर 1-1 मीटर पर लगाने के लिए ISI का रिकमेंडेशन है कि हर 1-1 मीटर पर लगाना है ब्रास रिंग, है ना। तो ऐसा ब्रास रिंग होता है, तो वो हर 1-1 मीटर पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा कि ब्रास रिंग लगाया हुआ है हर 1-1 मीटर पर, ये लगा हुआ है ना ब्रास रिंग, हर 1-1 मीटर पे, एट एवरी 1 मीटर पे ब्रासिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हो गया। और ये टैलीज जो हैं वो उनकी शक्ल दिख गई आपको, तो टैलीज का देखो कैसे अरेंजमेंट हो। ये 20 मीटर का चेन दिखा रहा है, 0 से लेके, ये 0 इस साइड डायरेक्शन से जा रहा है, 0 से लेके यहाँ 20 मीटर, ऊपर वाला पहले पढ़िए आप लोग, है ना, जो ये दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, नीचे वाला फिर बाद में समझेंगे। तो 0 से 2 मीटर जब आएगा तो वहाँ पे एक टैली इस टाइप का लगा हुआ है, 4 मीटर पे दूसरा टैली आ गया तो 2 टीथ बना हुआ है, 6 मीटर पे तीसरा टैली आ गया तो 3 टीथ बना हुआ है, 8 मीटर पे ये जो है 4 टीथ बना वाला बना होगा, और 10 मीटर पे ये गोल वाला टैली बना होगा, मतलब 5वां ये आ गया, ठीक है। अब फिर 12 मीटर पे कैसा होगा, जैसा चौथा था वैसा ही, मतलब रिवर्स होगा एकदम, इसका मिरर इमेज समझिए, इधर इसके 5 मीटर के इधर इधर और इस साइड एकदम मिरर इमेज है, जैसा उधर होगा वैसे ही इधर होगा। फिर इधर 4 टीथ वाला, फिर 5 टीथ वाला, फिर 4 टीथ वाला, 3 टीथ वाला, 2 टीथ वाला, फिर 1 टीथ वाला, इस तरह से करके। तो इससे समझ में आएगा कि 2 मीटर आ गया, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 18 मीटर, फिर 20 मीटर, इस तरह से आया जाएगा, है ना। इसलिए इसको चेन को हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, कहीं ऐसे नहीं लगेगा कोई उल्टा हम पकड़ लिए, तो ये दिक्कत नहीं होती है, है ना, कि चेन को किसी भी साइड से आप शुरू कर सकते हो, इधर से हैंडल पकड़ो इधर से। इसलिए इसका रिवर्स भी समझाया हुआ है यहाँ से, कि अगर इधर से यूज़ करोगे तो 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, तो दोनों तरफ से साइड से यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न ये होता है कि मान लो कि आप यहाँ पे आप पहुँचे हुए हो, तो है ये 16 मीटर, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं ना कि 2 टीथ है, इसका मतलब 4 मीटर वाले को बताता होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपका ये जो बीच वाला है 10 मीटर वाला जो गोल ऐसा टैली है वो क्रॉस कर गया क्या,
तो ये ध्यान रखा जाता है जब मेज़र करते हैं चेन से। तो ये 20 मीटर वाला जो चेन जनरली बिकता है, और ये जो चेन है ये 20 मीटर वाला ही है लेकिन ISI रिकमेंडेशन वाला है। इसमें जो है हर एक मीटर पे जो है आपको ये ब्रास रिंग लगा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। और इसमें जो टैलीज होता है हर 5 मीटर पे होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एक टैली यहाँ पे है वो 5 मीटर पे, फिर दूसरा टैली यहाँ पे है 10 मीटर पे, दो टीथ बना हुआ है, और तीसरा टैली सीधे 15 मीटर पे। तीन ही टैली होता है इसमें, और रिंग एक एक मीटर पे होता है ना। तो इस टाइप का होता है। तो ये चेन दिख रहा है आप लोगों को, है ना, कि 20 मीटर वाला चेन जो है जनरली ये वाला मिलता है, और ये जो है ISI रिकमेंडेशन वाले हैं, ठीक है। इसके टैली का अरेंजमेंट समझ में आ गया, और इसके टैली का भी अरेंजमेंट समझ में आता होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे 30 मीटर वाला चेन को बताया होगा, तो कि 30 मीटर वाला चेन कैसा दिखता है। देखो 30 मीटर वाला चेन ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है ब्रास रिंग लगा हुआ है हर एक मीटर पे, और हर 5 मीटर वाले पे एक टैली लगा हुआ है। ये टैली वो चेन के साथ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना। तो चूँकि ये 30 मीटर का होता है तो 5 मीटर पे होगा, 10 मीटर पे होगा, 15 पे होगा तीसरा, और फिर उसका रिवर्स हो जाएगा फिर 20 पे, और फिर 25 पे, है ना। ये भी इसका मिरर इमेज है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड जो है आपको सिमेट्री दिखेगी। इधर से भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। 5 मीटर पे एक टीथ, 10 पे दो टीथ, और 15 पे तीन टीथ, उसी का रिवर्स हो जाएगा फिर 20 पे 25 पे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। कोई पूछे कि ब्रास रिंग कितना मीटर पे लगा होता था, बताएंगे कि 1 मीटर पे लगा होता है ना। फिर टैलीज का अरेंजमेंट भी आपको दिख गया 30 मीटर वाले चेन में, ठीक। ये सब देख के थोड़ा फिगर डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये चेन का ड्राइंग दिखाया हुआ है, बीच बीच से कट करके दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक मीटर में ही बहुत सारे लिंक आ गए होंगे, है ना। लेकिन वो सारे लिंक को दिखाएगा तो फिर इस पेज पे आ ही नहीं पाएगा। तो कट करके जैसे यहाँ पे कट करके हर जगह से दिखाया गया कि जो समझने वाली बात है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 30 मीटर वाला चेन हम लोग देख लेंगे। अब वो मेट्रिक चेन हो गया, 20 मीटर और 30 मीटर के ही आते हैं, उनका डिटेल कि कैसा होता है, कितने लिंक होते हैं, है ना। टैलीज का अरेंजमेंट हम लोग देख ही लिए, यही सब है इसमें, और बहुत ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है, है ना, कि कैसा होता है ये सब जानना चाहिए। जो जनरली पूछने वाला क्वेश्चन ये होता है कि कितने लिंक्स होते हैं, 20 मीटर वाले में कितने होंगे, 30 में कितने होंगे, है ना। फिर आप जब लैब करने जाएंगे तो टीथ का अरेंजमेंट थोड़ा समझना होगा कि कैसे कैसे टीथ कहाँ कहाँ पे है, फिर उल्टा में आगे भी, फिर उसका रिवर्स होता है, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब थोड़ा सा है ना। तो वो समझ गए आप लोग मेट्रिक चेन। अब इंजीनियर्स चेन आ गया, ठीक है ना, इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन में जो है ये पहले होता था, ये प्रीवियसली यूज्ड इन ऑल इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियर्स इसका नाम इसलिए है कि ये पहले लगभग हर इंजीनियरिंग वर्क में इसी चेन का यूज़ होता था, लेकिन जब से मेट्रिक चेन आ गया तो ये दब इनका उतना ये नहीं रह गया, अब नहीं यूज़ होता है उतना। तो इसमें क्या होता था, इसमें भी 100 लिंक होता था, लेकिन ये 100 फिट का होता था, ये फिट के हिसाब से बना हुआ था, है ना। 100 लिंक होते थे और 100 फिट होते थे। इसमें एक लिंक कितने फिट का हुआ, 1 फिट का। 100 लिंक है, 100 फीट है, तो एक लिंक 1 फीट का हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछने को मिलेगा, ये जानने वाली बात है कि इंजीनियर्स चेन जो होता है उसमें कितने लिंक होते हैं, और एक लिंक का लंबाई कितना होता है, वो खुद कितने इसका होता है, ठीक है। वो 100 फीट का होता है, 100 लिंक होता है, और एक लिंक का लंबाई 1 फुट होगा, ठीक है। तो और ये जो है अब कम यूज़ होता है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था, प्रीवियसली यूज्ड होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट चेन देखते हैं। अब चूँकि मेट्रिक चेन ही हमारा इंपॉर्टेंस का था कि कैसा उसका अरेंजमेंट क्या होता है, वही हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादा, है ना, हमारे अपने पर्पज़ के लिए, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। अब जो है मेट्रिक पर्पज़ चेन ही यूज़ करेंगे। अब गंटर्स चेन आ गया, गंटर्स या सर्वेयर्स चेन, इसका नाम देख रहे होंगे आप, गंटर्स या सर्वेयर्स चेन लिखा हुआ ना, गंटर्स सर्वेयर्स चेन इसलिए बोलते हैं कि पहले जो सर्वे होता था, जो जनरली होता था, उसमें ये चेन जो है काफ़ी यूज़ होता था। पहले के जो ये हैं, मतलब डिस्टेंस मेज़र करने का तरीका था एकर्स में मेज़र करना, मील में मेज़र करना, है ना, माइल्स में। अब कोई बताता है कि यहाँ से वहाँ, इस शहर से वो शहर का दूरी कितना मील है, कितना माइल है, ये लोग नहीं बताते हैं, अब किलोमीटर्स में बताते हैं। तो जब माइल्स में मेज़रमेंट होता था, सर्वेइंग जब होता था उस टाइम मेज़रमेंट होता था, तो ये से चेन जो है उस टाइम में उसी हिसाब का बना हुआ है, वही सब डिस्टेंस मेज़र करने के लिए था। तो ये भी पहले यूज़ होता था ज़्यादा, अब जो है इसकी उतनी
नहीं आ गई है मतलब यूज़ इसका, ठीक है। तो इसमें जो है 66 जो है फिट लॉन्ग होता है ये, 100 लिंक इसमें भी होता है, ठीक है। 66 फुट का लंबा होगा, 100, ये सब याद करते जाना, ये सब यही सब याद करने वाला पॉइंट है, हम भी पूछेंगे और एग्ज़ाम में भी तो पूछा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 66 फीट लॉन्ग होता है और इसमें 100 लिंक होंगे, ठीक है। तो एक लिंक का लंबाई कितना हो गया, 0.66 फीट, ठीक है ना। ये सब एकदम बाय हार्ट कर लेना, कभी भी क्लास में ऐसे ही पूछेंगे हम, याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एक 66 फीट लंबा होता है, 100 लिंक हो गया, तो एक लिंक में 0.66 फुट होंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर कि इसके लिंक कितने होते हैं और एक लिंक का लंबाई क्या हुआ। ये जो है अब यूज़ उतना नहीं होता, पहले यूज़ होता था, और ये माइल्स फॉर लॉन्ग इन सब में इन सब यूनिट में यूज़ करने मतलब मेज़र करने के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक माइल जो होता है, एक माइल जो होता है वो 80 गंटर चेंज के बराबर होता है। एक गंटर चेंज का लंबाई 66 फुट, 80 गंटर चेंज को अगर 80 गुना कर देंगे 66 फुट का, तो 5280 फुट हो गया, इतना लंबा एक माइल होता है ना। तो माइल इसी चेन के हिसाब से मतलब इस जब मेज़र करते थे तो उस टाइप का बनाया हुआ ये चेन था मेल में मेज़र करने, 80 घंटर चेन एक माइल होता है। और एक फरलोंग जो फरलोंग सुना होगा आप लोगों ने, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए होता है यूनिट, एक फरलोंग जो होता है 10 घंटर चेन होता है, 10 घंटर चेन, एक घंटर चेन 66, 10 घंटर चेन कितना हो जाएगा 660 फुट का, है ना, या 220 यार्ड बोल दीजिए, क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होता है ना। तो ये एक फरलोंग जो होता है वो 10 घंटर चेंज के बराबर हुआ होता है, अभी भी होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन अब ये सब यूनिट ही नहीं यूज़ होता है, पुराने की बुक में ही देखोगे तो 666 फुट या 220 यार्ड होता है एक फरलोंग, ठीक है। और एक एकड़ जो होता है वो 10 स्क्वायर चेन के बराबर होता है, ठीक है ना। 10 स्क्वायर चेन को समझिए क्या है, एक स्क्वायर चेन का क्या मतलब हुआ, एक स्क्वायर चेन का मतलब कि एक चेन गुना एक चेन ऐसा बड़ा जो हुआ है ना, तो इसको एक स्क्वायर चेन बोलेंगे। तो एक चेन का लंबाई 66, फिर एक चेन 66 बाई 66, एक स्क्वायर चेन का मतलब यही हुआ ना, 66 बाई 66, तो वो इतना स्क्वायर फुट हुआ। तो 10 स्क्वायर चेन को हम एक एकड़ बोलते हैं, 10 स्क्वायर चेन को, ठीक है। तो 10 स्क्वायर चेन इतना इतना हो जाएगा, इतना से इतना स्क्वायर फुट हो जाएगा ना, इसे 10 में गुना कर दिए, एक स्क्वायर चेन का जितना वैल्यू तो आया था इतना, उसमें 10 से गुना कर दिए, इतना फुट हो गया। तो 10 स्क्वायर चेन को ही जो है एकड़ बोलते हैं, तो एक एकड़ इतना स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है, 5352। ये सब एकदम याद रखना आप लोग कि ये सब मतलब पहले यूज़ होता था लेकिन अभी भी इसके यूज़ होता है, कहीं कहीं पे आ जाता है, तो कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस चेन के हिसाब से ये सब यूनिट्स जो यूज़ होते थे कॉमनली, लेकिन अब जो है मीटर में ही यूज़ होता है और मेट्रिक चेन ही यूज़ होता है ज़्यादा, है ना, क्योंकि मीटर में है वो, मीटर किलोमीटर में लोग मेज़र करते हैं और कुछ, ठीक है। ये हो गया, अब नेक्स्ट गंटर्स चेन हो गया हम लोग का। अब रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन जो है ना, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू विभाग होता है ना, तो वो लोग जो ज़मीन वमीन का मसला देखते हैं, है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे नापी उपी जो होता है आप लोग का ज़मीन, तो वो रेवेन्यू चेन के थ्रू होता है हम लोग का। तो उसमें जो है 33 फुट वो लंबा होता है और उसमें 16 लिंक होते हैं, थोड़ा यूनिक है ये, 33 फुट लंबा होता है और उसमें 16 लिंक होते हैं। तो एक लिंक कितना हो गया, 33/16, या इसको ये बोलें कि 2.1/16 फुट होगा, है ना, तो ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ आपको दिखेगा, 2.1/16 फुट। और ये खूब ऑब्जेक्टिव भी आता है कि रेवेन्यू चेन में एक लिंक का लंबाई कितना होता है, ठीक है, 2.1/16 या 33/16, इसमें 16 लिंक होते हैं ना, 33 फुट का ये टोटल होता है। और ये कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे बताए होंगे पहले भी, ये सब याद रहना चाहिए हमेशा, आप लोग भूले हैं नहीं, कैडेस्ट्रल सर्वे जो है बाउंड्रीज़ फिक्स करने के लिए, है ना, किसी भी खेत उत का बाउंड्री फाइनल करने के लिए। तो ये लोग करता कौन है, ये रेवेन्यू विभाग वाले करते हैं, इसलिए इस चेन को रेवेन्यू सर्विस चेन कहते हैं, है ना, इस चेन को रेवेन्यू चेन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसकी डिटेल पता समझ में आ गई, 33 फुट का लंबा होता है, 16 चेन और एक चेन लिंक का लंबाई इतना हो गया, और ये कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है स्टील बैंड, है ना, स्टील बैंड, और इसको बैंड चेन भी बोलते हैं। तो स्टील बैंड इसलिए बोलते हैं कि ये स्टील का जो है
मतलब एक रिबन समझ लीजिए कि एक रिबन टाइप का, रिबन समझते हो ना, तो उस टाइप का बना हुआ रहता है और उस पर बैंड बने होते हैं, है ना, उस पर 20-20 सेंटीमीटर जैसे लिंक होता है ना उस तरह का, उसमें बैंड बना हुआ होता है, मतलब 20-20 सेंटीमीटर का मार्क होता है, तो आप उससे मेज़र कर सकते हो, इसलिए इसको स्टील बैंड भी बोलते हैं या बैंड चेन बोलते हैं। तो ये काफ़ी मतलब स्टील का बना होता है ना, स्टील का रिबन है ये, और ये 20 स्टील का रिबन होता ही है, और 20-30 मीटर इसका लंबाई, 20 से 30 मीटर इसका लंबाई होता है, 20 मीटर का भी आता है, 30 मीटर का भी आता है। इसमें भी हैंडल होता है, ब्रास का हैंडल होता है, और पूरा राउंड में घूम जाता है, जैसे कैसे टेप करते हैं, तो टेप का ही समझो कि ये थोड़ा बड़ा रूप है, थोड़ा मोटा होता है, उसको उसका एक ये आता है पूरा बॉक्स, उसमें उसको पूरा लपेट लेते हैं, फिर हैंडल से घिसते हैं पूरा खुल जाता है, ठीक है ना, उसमें ब्रास हैंडल होता है उसका। और इसमें जो है mm सेंटीमीटर और डेसीमीटर सब भी मार्क किया रहता है एक साइड पे, और दूसरे साइड में जो है 0.2 मीटर का बैंड बना होता है, लिंक एक लिंक के बराबर का हुआ ना, तो 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर का लिंक दूसरे साइड में बना होता है, पूरा मार्क किया रहता है, तो उससे अब 20-20 सेंटीमीटर हम लोग को पकड़ना आसान हो जाता है। और 20 मीटर का होता है ये तो चैन के रूप में पूरा यूज़ कर लेते हैं, तो ये यूज़ क्यों करते हैं, जब चैन था ही हम लोग के पास, स्टील बैंड क्यों यूज़ करते हैं, तो स्टील बैंड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी मजबूत होता है, मतलब मजबूत क्या मतलब ये मतलब एक्यूरेसी अच्छा देता है, मतलब ये जल्दी, जैसे वो था ना, मतलब अगर ये जो अपना चैन था स्टील बैंड के अलावा जो सारे चेन थे हम लोग के, तो वो जो है जब टेम्परेचर के साथ थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है या फिर ज़्यादा खिंचाव खींची, उसका जो बनावट आप लोग देखे होंगे कि लिंक्स लिंक्स जुड़ा रहता है, तो जब जैसे खींचेंगे दोनों हैंडल को अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ा लंबा हो जाता है ना, और जो थोड़ा ठंडे जगह पर रहेगा, ज़्यादा ठंड होगी तो वो थोड़ा सुकड़ भी जाता है, और थर्मल एक्सपेंशन और जो ये होता है वो आप लोग जानते ही हो शॉर्ट, तो उस वजह से वो होता है, लेकिन वो उस पे चेन में प्रॉब्लम है, तो इस चेन को ऐसा बना डिज़ाइन किया हुआ है कि ये आपका लेंथ इसका चेंज नहीं होगा बार बार, चाहे आप रफ यूज़ भी मतलब इसको बहुत यूज़ कर गए तब भी इसका लेंथ चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो ये एक्यूरेसी जहाँ पे ज़रूरत होती है तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो अच्छी एक्यूरेसी देता है तो वो काफ़ी कॉस्ट लेता है ना, तो कॉस्ट ये लेता है कि ये जल्दी टूट जाता है, एक्यूरेसी दे देता है, इसका लेंथ चेंज नहीं होता जल्दी, लेकिन ये टूट जाता है जल्दी, अगर टूट गया तो फिर आप इसको, चूँकि ये इस टाइप का बना होता है कि इसको आप फील्ड में नहीं बना सकते हैं, लेकिन चेन जो है उसको फील्ड में आप आराम से बना सकते हैं, लिंक से तो जुड़ा होता है, मिस्त्री बना देता है वहाँ पे, खुल गया चेन या टूट गया तो उसको फिर पीट पाट के बना देता है, लेकिन इसको नहीं बना पाएंगे आप, है ना, इसलिए इसको यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ज़्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस मेज़र करना हो वहाँ यूज़ करते हैं, और बाकी रफ़ यूज़ के लिए चेन यूज़ करते हैं, इसको इसलिए नहीं किया जाता, यूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है फॉर जहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है वहाँ यूज़ करते हैं, ये इसको हैंडल करना बड़ा इजी है, इसका पूरा स्टैंड बना होता है, इसको खोल लीजिए पूरा खुल जाता है, फिर बंद कर दीजिए राउंड में घूम के, लेकिन ये इजीली ब्रेक भी करता है, ये ब्रेक्स इजीली, ठीक है, और फिर साइड पे ये रिपेयर भी नहीं हो सकता है, लेकिन अपना जो चेन है अदर चेन जो है वो इजीली रिपेयर्ड होते हैं, रफ़ यूज़ कीजिए थोड़ा सा लंबाई घट बढ़ जाता है तो उसका फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं कितना बढ़ गया, फिर उसको उतना तोड़ता के या थोड़ा पीट पाट उसको बराबर भी कर देते हैं, फिर 20 मीटर का हो गया वो, है ना, तो वो इजीली फील्ड में रिपेयरेबल होता है, इसलिए उसको रफ़ वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना स्टील बैंड। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को देखते हैं, नेक्स्ट जो है हम लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ चेन पढ़ना है, ठीक है ना, चेन और स्टील बैंड में जनरली पूछता है कि ये क्यों यूज़ करते हैं, उसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये इसके समझ में आ जाएगा आपको, चेन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो चेन का एडवांटेज ये है कि क्विकली एक बार चेन जो होता है उसको आप उतना भी रफ़ यूज़ कर सकते हैं, एक बार खोलिए आप और उसके बाद रफ़ यूज़ करते हुए चले जाइए, और उसको पढ़ना भी बड़ा आसान होता है, 20-20 मिनट का होता है, या टैली लगा होता है उसका, शकल देख के टैली का जो है आप उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जाके झांक के, सब टैली देखिएगा उसमें दो टीथ बना हुआ है, समझ गए कि हाँ 4 मीटर पे है ना, तो क्विकली रीड हो जाता है, उसमें पढ़ा लिखा आदमी की ज़रूरत नहीं है, मज़दूर भी पढ़ सकता है, ठीक है, और ये रफ़ यूज़ भी हो सकता है और रिपेयर भी हो सकता है फील्ड में, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा हेवी वेट होता है चेन जो है, बाकी स्टील बैंड के हिसाब से देखिएगा तो वेट इसका हेवी होता है, या टेप के हिसाब से ये हेवी वेट होता है, और इसको खोलना लास्ट में फिर एक साथ बंद करना जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, जो कि स्टील बैंड में नहीं लगता है, ठीक है, और ये जो है टाइम ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद थोड़ा सा इसका लंबाई घटबड़ हो जाता है, खास करके जब खींचाव ज़्यादा होता है तो बढ़ जाता है,
और ये जो है जब सैगिंग सस्पेंशन में जाता है तो सैग करता है। सस्पेंशन का मतलब हुआ कि कोई भी चेन को, जैसे आप यहाँ पे इस चेन को का हैंडल यहाँ पकड़े हुए हैं, कोई अगला आदमी इस चेन का हैंडल यहाँ पकड़े हुआ है, तो चेन ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा चेन ऐसा हो जाता है, इसको सैगिंग बोलते हैं ना, सैगिंग। तो चूँकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अपना वेट की वजह से, डब्ल्यू की वजह से ये सैग करता है, ये इस तरह से एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसमें सैगिंग का दिक्कत होता है जब सस्पेंशन में होगा तो, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे इसका चेन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टील बैंड। स्टील बैंड का क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यही है कि लाइट वेट होता है, उसका हल्का होता है, इसको ओपन और क्लोज करना चेन में जो दिक्कत होती थी या वो इसके लिए ठीक है। ये अपना लेंथ भी मेंटेन रखता है कंटिन्यूअस यूज़ करने के बाद, लेकिन और ये सैग भी नहीं करता है, इसका लाइट वेट कम होता है तो इसमें सैगिंग भी लाइट होता है, उतना सैग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जल्दी ब्रेक करता है, ये बहुत दिक्कत है, अगर केयर नहीं किए तो जल्दी ब्रेक करता है, फिर रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसको पढ़ना भी पढ़े लिखे का काम है, लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चेन में लिखा हुआ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका बनावट ही पढ़ सकते हैं आप, टैलीज पर देख के पढ़ सकते हैं, रिंग देख के समझ सकते हैं, है ना। अब पूरा फाइनल हुआ तो 20 मीटर हो गया, तो इसको लेमैन भी पढ़ सकता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको क्वालिटी मैन पावर चाहिए, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी चाहिए आपको। तो ये था एडवांटेज स्टील बैंड और चेन में फ़र्क, अगर आपको बताना पड़े तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा, ठीक है। होप समझ में आया आपको ये टॉपिक, ये बात। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हम लोग चेन, ये तो चेन था, चेन के एडवांटेज एडवांटेज देखें हम लोग। अब नेक्स्ट इसके अलावा जो एक्सेसरीज हैं, है ना, जैसे क्रॉस स्टाफ और ये सब जो हैं, बाकी जो भी एक्सेसरीज एरो ये सब, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ओके।